दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा UCB वर्सेस DVU के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फ्री में 20,000 रुपये विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो विकेट कीपर में सबसे पहले इब्राहिम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इब्राहिम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले ही थोड़ा सा ऊपर बैटिंग कर रहे थे टॉप ऑर्डर में, लेकिन अब जो है इनका बैटिंग ऑर्डर तकरीबन नंबर 5 या नंबर 6 पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी रीसेंट के परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बात करूं, अभी तक 2 मैचेस जो इन्होंने खेले दोस्तों, अगर मैं बैटिंग से बात करूं 3 मैचेस इन्होंने खेले रीसेंट के, लेकिन बैटिंग इनकी 2 ही मैच में आ पाई है। उन 2 मैचेस में जिनमें इनकी बैटिंग आई है तो उसमें इन्होंने 27 रन करे और बॉलिंग से इन्होंने 2 विकेट भी निकाले रीसेंट के। तो अच्छे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं ऑलराउंडर, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, तो आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी रविंद्र के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए नजर आने वाले, लास्ट रन में 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन 0 वाला प्लेयर ही हीरो बनता है दोस्तों। उससे पहले इन्होंने 5 रन करे, फिर अगर मैं बात करूँ 39 इन्होंने करे, 18 रन करे और 39 रन अगेन करे, तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। 2 हमारे यहाँ से विकेट कीपर रहने वाले। वहीं अगर बैटिंग में बात करें दोस्तों, पटेल यानी कि बॉबी पटेल का ऑप्शन होने वाला है, ये ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, प्लस विकेट कीपिंग करेंगे तो कैचेस वगैरह पकड़ के दे सकते हैं। रीसेंट में 10 रन लास्ट रन में करे, उससे पहले 18 रन करे दोस्तों, फिर 0 पे आउट हो गए थे, फिर अगर बात करें 28 रन इन्होंने करे और 13 रन करे, ये इनके रीसेंट की कुछ इनिंग्स है। परफॉर्मेंस देखोगे इतना अच्छा तो नहीं रहा है, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस रहा है और ओपन करेंगे तो रन बनाने का इनके पास ज़्यादा मौका हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। बाकी जे मुरैल के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 रहने वाला है। अभी तक के रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो तकरीबन यहां से 65 रन के आसपास इन्होंने करे। अगर आप चाहो तो इनको रख सकते हो, लेकिन अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ज्यादा अच्छे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। वहीं दोस्तों एस मधु के बारे में बात करें, नंबर 4 बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी तक रीसेंट के 4 मैचेस के बारे में बात करूं तो यार परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है, तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। रीसेंट के 4 मैचेस में सिर्फ 27 रन ही इन्होंने अभी तक करे। एस मेहता के बारे में बात करें दोस्तों, ये आपको बैटिंग में दिए हुए, बैटिंग ऑर्डर तो इनका बहुत नीचे आपको नज़र आने वाला है, बट ये बॉलिंग करवाते और बॉलिंग से लास्ट 3 मैचेस में अभी तक 1 विकेट निकाल पाए हैं, तो बॉलिंग से भी इतना कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं हो पाया है दोस्तों।
बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें जमील का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब जमील के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पहले ये जो है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आपको नज़र आ सकते थे, लेकिन अगर मैं अब इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ा सा नंबर चार पे आ रहे हो और इतना अच्छा रहा नहीं है परफॉर्मेंस, तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कसीर अहमद आपके लिए मस्ट ऑप्शन है, नंबर तीन पे बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे। रीसेंट में इन्होंने 9 रन करे 1 रन करे 6 रन करे, बैटिंग से 1 रन करे 7 रन करे, तो भाई बैटिंग से तो परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन ये बॉलिंग करवाते, लास्ट 5 मैचेस में बॉलिंग से 5 विकेट निकाले, तो वो प्लस पॉइंट है, इसलिए आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों। बाकी यहाँ से कोई खास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 2 बैट्समैन लेके चल रहे हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, यहाँ पे रेडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ओपन करेगा बंदा प्लस बॉलिंग करवाएगा, लास्ट रन में 31 रन करे, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 69 रन करे, फिर 9 रन इन्होंने करे, 33 रन इन्होंने करे और 23 रन इन्होंने करे। लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट ही निकाल पाए हैं दोस्तों, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। राखी बुल के बारे में अगर मैं बात करूं, बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे देखने को मिलने वाला है और बॉलिंग का कई बार ओवर कट जाते, कई बार डालते नहीं हो, और बॉलिंग डालते भी है तो इतने विकेट नहीं निकाल पा रहे, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। हसन आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है, 1 डाउन नंबर 3 नज़र आ सकते हैं। लास्ट रन में 50 रन इन्होंने करे, उससे पहले 14 रन करे दोस्तों, फिर अगर मैं बात करूँ 23 रन करे, 46 रन इन्होंने करे और 13 रन करे। लास्ट 5 मैचेस में अभी तक इन्होंने 5 विकेट भी निकाले, तो एक अच्छे ऑप्शन हो जाते कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से बात करें, त्यागी आपको ओपन और डेथ में बॉलिंग करवाते हुए नज़र आ सकते हैं। पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो ज़रूर रखिएगा, उस केस में अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। अभी तक रीसेंट के 3 मैचेस में सिर्फ इन्होंने 1 ही विकेट निकाला है दोस्तों। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, नवाज़ आपके लिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले, ओपन करते हुए नज़र आएंगे। रीसेंट में 68 रन करे, उससे पहले 19 रन करे दोस्तों, फिर अगर मैं बात करूँ 34 इन्होंने करे, 2 रन करे और 17 रन करे। लास्ट 5 मैचेस में अभी तक इन्होंने 6 विकेट भी निकाले, तो एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप इनको लेके ज़रूर चलिएगा। 3 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है और जिनको आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो, सबसे पहले तो जी अब्बास के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इनको ज़रूर रखिएगा दोस्तों। विकेट टेकर बॉलर है, हर कंडीशन में विकेट निकाल के देते, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 8 विकेट ये ऑलरेडी चटका चुके हैं दोस्तों, फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, जो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हो, जिनको आप रख सकते हो, तो कामरान को आप ज़रूर रख सकते हो। लास्ट रन में थोड़े से महंगे साबित हुए, इसलिए ओवर कट गए, लेकिन अभी तक 5 मैचेस में इन्होंने जो है 5 विकेट निकाले। अब्दुल्ला एक और अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। रिसेंट के कुछ मैचेस के बारे में बात करूँ, 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट निकाले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस मैच में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। अब्दुल्ला आपको जो है ओपन में बॉलिंग करवाते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों, फिर एक ओवर का डेट में भी आ जाता है या फिर मिडिल ओवर्स में भी, और कामरन का भी एक ओवर जो है मिडिल ओवर्स में और फिर एक ओवर डेट में आता है, तो इन दोनों को आप लेके चल सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए इस मैच में बन सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम यहां से बात करें, देखिए 3 हमारे यहां से बॉलर तो रहने वाले, एक प्लेयर में आपका कंफ्यूजन रहने वाला है, वो एक प्लेयर आप कौन सा रख सकते हो दोस्तों? देखिए जो लास्ट प्लेयर होगा ना, वही हमें विन करवाने वाला है। आप क्या कर सकते हो, अगर यूसीबी की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप त्यागी के साथ चल सकते हो, तो उस केस में ये एक अच्छे ऑप्शन साबित आपके लिए हो सकते हैं दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, 3 आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले, नवाज़ होने वाले, दारा रुपे रेडी होने वाले और हसन होने वाले। इन 3 के अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी और के साथ जाना चाहिए। कैप्टन मैं रेडी को कर रहा हूँ, हसन को वाइस कैप्टन। टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें, तो फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हो। आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले आपको MyFAV11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप MyFAV11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो MyFAV11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको MyFAV11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक भी क्लिक करिए और माई फेव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फेव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फेव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।